हमारे मेहमान खुसूसी स्पेशल गेस्ट ऑफ द वीक अब्दुल मुकीम समरा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आप जो है तिलावत कुरान मजीद से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करें। यस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय डियर फ्रेंड्स, अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अन्ज़ल التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد। बेटा ये थे हमारे जिन्होंने कुरान मजीद की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। मरवा जहीर ही जो है नशीद पढ़ना चाहते हैं। यस जो है मरवा जहीर बेटा आप नशीद से हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाएंगे। मेरे मालिक हिदायत दे हिदायत का मैं तालिब हूँ मोहब्बत की नजर मुझ पर मोहब्बत का मैं तालिब हूँ मोहब्बत की।
मुझ पर मोहब्बत का मैं तालिब हूँ, न आयशमा नजर की है न चाहत सल्तनत की है, न आयशमा नजर की है न चाहत सल्तनत की है, मेरे मालिक हिदायत दे हिदायत का मैं तालिब हूँ, उदाया रहम कर मुझ पर तेरी रहमत का तालिब हूँ। शब्बाश बेटा, ये थे मरवा जहीर पिछड़ बेटा, पीछे सब टेल आगे बेटा, आप लोग माशाल्लाह यस टेल आगे बैठो माशाल्लाह। नाजरीन ये हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, अब्दुल मुकिस्सम रा बैठे हुए हैं, मरवा जहीर बैठे हुए हैं, अब्दुल रकीब बैठे हुए हैं और हमारे जिक्रा चिन्नमुन बैठे हुए हैं। यस माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम वीक जो है गेस्ट ऑफ द वीक का प्रोग्राम है, मेहमान को हम हर हफ्ता बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप भी मेहमान बनेंगे इंशाल्लाह। यस, अब चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमान से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान खुसूसी स्पेशल गेस्ट ऑफ द वीक अब्दुल मुकीद समरा। अब हम अब्दुल मुकीद समरा का नाम तो जानते हैं लेकिन फिर भी उनसे पूछना चाहते हैं कि अपना कंप्लीट नाम बताएं बेटा। मैं फुल इंग्लिश अमर सिंह पुलिस समरा, लेकिन मुझे पुकारने में समरा सिंह बहुत ज्यादा पसंद। वाओ, अब्दुल मुकीद समरा तो इनका नाम है बट इनका पेट नेम नेक नेम जो है क्या है वो समरा हसीब, यानी उनके अब्बू का नाम के साथ पुकारना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे बात है माशाल्लाह। ओके, आपके अब्बू का पूरा नाम मुकम्मल नाम क्या है बेटा आपके अब्बू का? मेरे अब्बूजान का नाम अब्दुल हसीब उम्मी है। क्या आपको अपने अब्बू से मोहब्बत है? जी बिल्कुल। पक्का जी? क्यों चाहते हैं आपके अब्बू से आप? क्योंकि मेरे अब्बू मेरे को मिल चाहते हैं। वाओ, नाजरीन देख रहे हैं आप, अब्दुल मुकीद बेटा अपने अब्बू से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अब्बू भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा बेटा, क्या आपको अपनी अम्मी से मोहब्बत है? जी। पक्का? जी पक्का। अच्छा, तो क्यों मोहब्बत करते हैं अपने अम्मी से? माशाल्लाह, देख रहे नाजरीन हमारी छोटी छोटी चिन्न मुन्नु मेहमान कह रहे हैं वो अपने अब्बू से मोहब्बत करते हैं, अपने अम्मी से मोहब्बत करते हैं इसलिए क्योंकि अब्बू और अम्मी उनको उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह बेटा, मरवा जहीर आप भी अम्मी को चाहते हैं? पक्का? अब्बू को चाहते हैं आप? हम तो रखते बेटा आप ही चाहते हैं अपने अब्बू अम्मी को। पक्का? जिक्रा बेटा आप भी अपने अब्बू को चाहते हैं? पक्का? यस माशाल्लाह, सारे मेहमान हमारे यानी अपने अब्बू अम्मी से बहुत बहुत मोहब्बत करते माशाल्लाह, वंडरफुल। अच्छा बेटा, अब्दुल मुकीद समरा बेटा आप ये बताइए कि आपको क्या कुरान पढ़ना आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाजरा कुरान आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है? नाजरीन देख रहे हैं आप हमारे अब्दुल मुकीद जो है समरा हसीब जो है बस छह साल के जब थे वो तो कुरान मजीद का नाजरा कंप्लीट कर लिया था। अमेजिंग किड माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों में से भी कौन कौन जो है छह साल में नाजरा कंप्लीट कर चुके हैं प्लीज जरा हैंड रेस करें। हाँ, हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों में से छह साल के जो हैं वो उन्होंने यानी नाजरा कंप्लीट कर लिया है तो वो भी हैंड रेस करें। वाओ, इतने बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे सारे के सारे बच्चे भी छह साल की उम्र में नाजरा इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। सारे के सारे बच्चे मुबारकबादी के काबिल हैं और हमारे समरा हसीब भी मुबारकबादी के काबिल हैं जिन्होंने छह साल की मुद्दत में उन्होंने कुरान मजीद को नाजरा कंप्लीट कर लिया था माशाल्लाह। आमतौर पर छह साल के बच्चे तो नूरानी कायदे में रहते हैं अभी। हाँ ना बेटा, अभी कायदे में रहते हैं, तख्तियों में रहते हैं लेकिन आप कायदा खत्म कर लिए और साथ साथ में कुरान का नाजरा पढ़ लिया आपने। वंडरफुल, अमेजिंग जॉब, गुड जॉब बेटा माशाल्लाह। ओके, अच्छा समरा से बेटा आप ये बताइए कि आपको कितनी सूरतें याद है आपको कुरान मजीद की? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सूरह बकरा, हिज्जा और 29:30 पर आती है सूरह अल इमरान। माशाल्लाह नाज़रीन देख रहे हो आप,
माशाल्लाह हमारे समरा हसीब को सूरह बकरा कंप्लीट याद है। सूरह बकरा लगभग 2.5 पारे का माशाल्लाह सूरह बकरा है और 29वां पारा भी आपको याद है, 30वां पारा भी याद है, 4 पार यही छोड़ गए माशाल्लाह और आल इमरान भी स्टार्ट कर चुके हैं माशाल्लाह। नाजरीन देख रहे हैं आप, ये हमारी प्यारी प्यारी बेटियां मेहमान 4 पारे की हाफिजा है माशाल्लाह और वो और भी अपने हिट्स को आगे बढ़ा रही है। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग बताओ, आप लोगों में से कौन कौन माशाल्लाह इसी तरह आप लोग भी करना चाहेंगे? Yes, raise your hands. चलिए बताओ कौन कौन आप ऐसे पढ़ना चाहेंगे इंशाल्लाह। वाओ क्या बात है, ये सारे के सारे बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन कर रहे हैं, अब्दुल मलिक माशाल्लाह, ये तो बेटा हमेशा आगे रहता है अब्दुल मलिक। अमतुल हादी भी है और गैलेक्सी कौन है, ये नाम लिखो यार, कई गैलेक्सी पालक से लिखते आप लोग। हाँ ओके, अब्दुल रहमान भी है, मोहम्मद ताहा है, हुमेरा है, अतीबा है और हमजा मक्की है, मदनी है। अरे रे पूरे मक्की मदनी हमारे पास है माशाल्लाह। बसीरुद्दीन है, वाओ ये पूरे पूरे नाम, ये भी अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं। नाजरीन देख रहे हैं आप, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी कुरान को ऐसे पढ़ना चाहते हैं जैसे हमारे समरा हसीब कुरान को पढ़ रही है, वो याद कर रही है। तो ये सारे के सारे बच्चे समरा हसीब की तरह वो भी याद करना चाहते हैं और कुरान में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा बेटा कोई सूरत आप पढ़कर सुना सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को? हाँ जी हाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ترى من فطور كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. جود بيدا بس بارك الله فيكم. يي هماري हाँ जो है सभी जिन्होंने आपको सूरा पढ़कर जो आपको सुना रहे थे माशाल्लाह। यस अच्छा भी समर हसीब बेटा आप ही बताइए, आप माशाल्लाह 29वां पारा याद है, 30वां पारा याद है, बकरा याद है, आल इमरान भी आप पढ़ रहे हैं। तो बेटा कुरान के साथ साथ क्या आपको कुछ हदीस भी याद है आपको? माशाल्लाह नाजरीन देखो आप हमारी प्यारी प्यारी बच्ची 70 हदीस याद कर चुकी है माशाल्लाह। वेरी गुड माशाल्लाह, हर टॉपिक में 2-2 हदीस याद है माशाल्लाह। बेटा देखो आप नाजरीन, आप लोग बताओ आप लोगों में से जो है किसको कितनी हदीस याद है, जस्ट जो है कमेंट करके बताओ प्लीज बेटा, कमेंट करके बताओ कितने कितने आपको हदीस याद है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी हदीस याद है। जस्ट हमारे समरा हसीब को तो 70 हदीस याद है माशाल्लाह, अमेजिंग ग्रेट। यस जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोगों, देखेंगे किसको कितने हदीस याद है, जल्दी कमेंट्स प्लीज। वाओ 4 हदीस है, वो 76 कौन है भैया, अमेजिंग ग्रेट। 76 को जरा हम देखना चाहते हैं कि हु इज द 76 गर्ल। 89 ताहा और अंजर 89, अमेजिंग। और इसी तरह 79 वाले कौन है वो जरा, 76 माशाल्लाह हनान और उमामा, वाओ माशाल्लाह वंडरफुल बेटा, अमेजिंग बेटा माशाल्लाह। 76 और 89 हदीसे, 50 100, हु इज दिस अदीबा, माशाल्लाह पक्का सही लिख रहे हैं। प्लीज एडमिन से रिक्वेस्ट है, अदीबा को परमिशन दे जरा, अदीबा को परमिशन दीजिए, एडमिन से रिक्वेस्ट है प्लीज, जिनको 100 हदीस याद है कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। यस बेटा अदीबा है आपका नाम? जी शेख। हाँ आप कितने हदीस याद है बेटा आपको? 100।
100 हदीसें माशाल्लाह वंडरफुल। तो आज अदीबा को हम 200 प्राइज दे रहे हैं माशाल्लाह। यस बेटा अदीबा इज वेरी वेरी गुड गर्ल माशाल्लाह। तो अदीबा को 100 हदीस याद होने की वजह से उनको 200 प्राइज दिया जा रहा है। आप प्रोग्राम के बाद आप इंशाल्लाह जो है हमको ये भेजेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपना गूगल पे भेजेंगे और हम आपको प्राइज देने जा रहे हैं। अमेजिंग गुड बेटा माशाल्लाह वंडरफुल। ओके और कोई बोलना चाह रहे हैं? अच्छा बाकी वाले 20 है 50 है, हाँ कोई बात नहीं, 89, हाँ 100 वाले जीत गए माशाल्लाह। आज की क्लास में 100 वाले जीत गए, वेरी गुड बेटा माशाल्लाह वंडरफुल। ओके अब हम जो है समरा हसीब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कुछ हदीसें आप पढ़कर सुनाएं। आप टॉपिक नंबर फर्स्ट तो है जो शिर्क मन मात ला युशरिक बिल्लाह शैअन दखल अल जन्ना मन अल्लाक तमीमा फकद अशरक इत्तकिल्लाह हैसु मा कुन्न। टॉपिक नंबर 2 इत्तबा सुन्नत मन अतानी फकद अता अल्लाह मन रगब अन सुन्नति फलैसा मिन्नी। टॉपिक नंबर 3 इस्लाम व ईमान अल इस्लाम व अन तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीम अस्सलात व तुती अज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्ज البيت ان استطعت اليه سبيلا. टॉपिक नंबर 4 تعليم وتربيه خيركم من تعلم القران وعلم انما العلماء ورثه الانبياء. टॉपिक नंबर 5 دعاء اذكار ودعاء الدعاء هو العباده من قال سبحان الله وبحمده غلست له نقله في الجنه. वेरी गुड माशाल्लाह। प्यारे बच्चे देखो आप कितने बड़ी बड़ी हदीस याद है माशाल्लाह। आमतौर पर छोटी 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 हदीस याद करते बच्चे, लेकिन समरा हसीब ने बड़ी बड़ी हदीस याद किया माशाल्लाह वंडरफुल बेटा। 76 हदीस हमारे समरा हसीब ने याद कर रखा है। ओके हदीसें भी आपने सुना दिए माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप ये बताओ के आप जुमा के दिन क्या करते हैं? आप तमाम दिनों में सबसे अफजल जुम्मे का दिन होता है। उस दिन 3 रहमतें होती है। फर्स्ट कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, सेकंड सूरतुल कहफ की तिलावत करना, थर्ड असर से मगरिब के बीच अज़कार और दुआ करते बैठना। मैं जुमा के दिन उठते ही फजर की नमाज अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करती हूँ, नेल्स कट करती हूँ और जुमा मस्जिद में पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उस दिन अच्छा खाना पसंद करती हूँ, मैं उस दिन वाइट लिबास पहनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत और लास्ट की 10 आयत पढ़ लेती हूँ ताकि दज्जाल की फितने से महफूज रहे, और मैं असर से मगरिब के बीच अज़कार और दुआ करते बैठती हूँ। माशाल्लाह नाज़रीन अमेजिंग। प्यारे बच्चों देखो आप लोग समरा हसीब जो है माशाल्लाह और वो जुमा के दिन बिरयानी खाना पसंद करते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं और साथ साथ सूरह कहफ की तिलावत भी करते हैं माशाल्लाह, और जुमा की नमाज मस्जिद में खुतबा सुनकर पढ़ना चाहते हैं, अच्छा लिबास पहनना चाहते हैं और असर के बाद वो माशाल्लाह अज़कार पढ़ते बैठते हैं। अमेजिंग बात बहुत प्यारे बच्चे समरा हसीब माशाल्लाह। तो हमारे सारे के सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। Raise your hands, कौन कौन ऐसी काम करना चाहते हैं आप लोगों में से भी, अच्छा खाना, अच्छा पढ़ना, अच्छा है वो, क्या बात है, amazing, wow, माशाल्लाह। ये सारे सारे बच्चे भी सूरह कहफ पढ़ेंगे, जल्दी नहाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और मस्जिद नमाज पढ़ेंगे, अब्बू के साथ नमाज जाएंगे और अब्बू के साथ नमाज जाके वहां मस्जिद के बॉक्स में 10 रुपए डालेंगे इंशाल्लाह। यस माशाल्लाह। और जो है सदका करेंगे और जुमा के दिन कुछ भी अच्छे काम करेंगे जरूर इंशाल्लाह। ये सारे के सारे बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो ऐसे अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके इतने अच्छे काम करते हैं हमारे समरा हसीब। अच्छा भाई नाजरीन में से किसी एक बच्चे को परमिशन दे के वो जुमा में क्या करते हैं हम जानना चाहते हैं। यस नाजरीन प्यारे बच्चे आप लोग बताओ कि आप लोग जुमा दिन क्या करते हो ताकि हम भी जानना चाहते हैं आपके बारे में। और किसको परमिशन देंगे आप माशाल्लाह को न्यू स्टूडेंट को देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हां बोलो बेटा। मैं जुमा को सदका करती हूँ और मैं कुरान मजीद भी पढ़ती हूँ। अच्छा। और थोड़ा हिफ्ज भी करती हूँ। कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे। और किसी एक बच्चे की परमिशन दे प्लीज। मैम सर हमें चांस ही नहीं मिलती सर। कई चांस बेटा। वन मिनट करने की। क्या करने की? आंसर करने की। आपको चांस मिला ना बोलो। अब आपको चांस। ये सेकेंड टाइम है वो मिसवाक का आया था ना।
वो मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा, तो बेटा देखो इतने बच्चे बैठे हैं, मिलता किसी के लिए मिलता बेटा, हाँ अगर नहीं मिला तो सॉरी। अस्सलामुअलैकुम शेख। वालेकुम सलाम बेटा, बोलो बेटा। हम जुमा के दिन दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ओ, ओ, क्या दुआ और बिरयानी खाते हैं। क्या दुआ करते हैं, क्या बिरयानी खाते हैं, माशाल्लाह। कहाँ के हैं बेटा आप, कहाँ से है बेटा? कर्नाटका। कर्नाटका माशाल्लाह। उसके बाद बेटा आप ये बताओ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, डीटीके में होते हैं और जो है स्कूल से होते हैं, मदरसों से होते हैं, तो कंपटीशन जब आता है तो आपको क्या फील होता है, क्या करते हैं आप? मैं फैंसी ड्रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई और पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई। माशाल्लाह पेंटिंग हमारे सबरासी का एकदम जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है माशाल्लाह। आप पेंटिंग में आप आगे बढ़ते हैं माशाल्लाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। ओके बेटा, अच्छा भाई आप ये बताइए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? माशाल्लाह देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारे असम राशि आलिमा बनना चाह रहे हैं, हाफिजा बनना चाह रहे हैं और डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, हिस्सुल मुस्लिम के हाफिजा बनना चाह रहे हैं, अमेजिंग किड माशाल्लाह, दाइया बनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। इतनी चीजें बन रहे हैं तो आपको भी बनना पड़ेगा बेटा माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप ये बताओ, डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं आप, क्या जरूरत है डॉक्टर बनने की, इतने डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद हैं? क्योंकि मैं मेरे कौन की खिदमत करूं और गरीब बेसहारा लोगों का ट्रीटमेंट करूंगी इंशाल्लाह। नाचिन देखते हैं आप, समरा हसीब का इंटेंशन ये है कि डॉक्टर बनकर गरीब मरीजों का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, गरीब लोगों का इलाज करना चाहते हैं, सोसाइटी में जितने बीमार लोग हैं उन सब का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अमेजिंग बच्चे माशाल्लाह। अच्छा समरा बेटा आप ये बताइए, आपको कौन से फ्रूट पसंद है? मैंगो, बेटा कितने प्यारे बच्चे माशाल्लाह, उनको तो मैंगो पसंद है और जो है कस्टर्ड एप्पल पसंद है, एप्पल पसंद है, ये दिखते ही दुआ पढ़ते माशाल्लाह, वंडरफुल माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। ऐसे बच्चे होना चाहिए जो मार्केट में फ्रूट्स देखते हैं, सबसे पहले फल फल आते हैं तो दुआ देते हैं, अल्लाहुम बारिक लना फी समरिना, ऐ अल्लाह तू हमारे फलों में फ्रूट्स में बरकत अता फरमा, क्या बात है, बहुत बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप ये बताइए समरा हसीब, आपको कलर कौन सा पसंद है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है आपका? मुझे व्हाइट कलर पसंद है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी व्हाइट कलर पसंद था, और मुझे ब्लैक कलर पसंद है क्योंकि काबितुल्लाह कलर वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप ये बताइए समरा बेटा, आपके सबसे अच्छी सहेली दोस्त कौन है आपके? मेरी बेस्ट फ्रेंड मरवा जही है, मेरी हर चीज में हेल्प करती है और मैं उनकी हर चीज में हेल्प करती हूँ, मेरा रोज सबक सुनती है और मैं भी उनका रोज सबक सुनती हूँ, मेरे होमवर्क में हेल्प करती है और मैं भी उनके होमवर्क में हेल्प करती हूँ। हालांकि इनकी उम्र सब है ना, आपकी कौन सी बहन है? खलेरे बहन है, देख रहे हैं आप खलेरे बहन, कितने प्यारे प्यारे दोस्त है माशाल्लाह, वंडरफुल बेटा। मरवा जहीर और समरा बहुत बहुत प्यारे सहेलियां हैं, इसलिए कि वो दोनों अच्छे काम सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, है ना बेटा? यस, आपको कुछ मिला, आपकी मम्मी आपको जबरदस्त वो गुड़िये क्या गुलाब जामुन दिए थे, अचानक मरवा जहीर आया तो आप खुद ही पूरा खा लेते, मरवा को देते आप जामुन? पक्का? ओहो, आपकी मम्मी आपको जबरदस्त आइसक्रीम बना के रखे थे, ऐसा आप खा रहे थे, मरवा आ गए, क्या करेंगे आप?
पूरा देखे। हो नाजरीन माशाल्लाह देख रहे आप, समरा बेटा इतने बड़े दिल वाले हैं हमारे मेहमान खुसूसी के, वो पूरा आइसक्रीम उठा के सम जो है मरवा को दे देंगे माशाल्लाह। अच्छा मरवा बेटा, आपकी मम्मी आपको जबरदस्त लड्डू ऐसा जो है रखे थे, आप खा रहे थे, अचानक जो है आ गए समरा जी, तो क्या करेंगे आप? आप देंगे, आप पक्का देंगे इंशाल्लाह। वंडरफुल माशाल्लाह। अच्छा अभी समरा बेटा, आप जो है मम्मी आपके मतलब गुलाब जामुन या लड्डू आप खा रहे थे, पूरा खत्म कर लिए, अब उन्होंने आगे क्या करते आप? मैं मम्मा को बोलूंगी कि उम्मीद करता हूँ कि हमारे डीटी के में पढ़ने वाले हर बच्चे का दिल ऐसे ही बड़ा बड़ा होगा, जिसमें वो शेयर करेंगे, शेयर एंड केयर करेंगे आपको, है ना बेटा? यस वंडरफुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। अब बेटा आप ये बताइए, आप डीटीके में पढ़ते आप ना भाई, तो डीटीके से कुछ फायदा होता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ। रमजान वर्कशॉप में मैं रोजे के मसाइल सीखी हूँ, सला वर्कशॉप में नमाज के मुकम्मल आदाब और नमाज के बाद के इज़्कार सीखी हूँ, कुरान वर्कशॉप में मैं नबियों की स्टोरीज पढ़ी हूँ, और सीरत वर्कशॉप में सीरत वर्कशॉप चल रहा है, इसमें हम शरीक हो रहे हैं और उसे भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और हमारे सारे के सारे बच्चे भी माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शरीक होते हैं और फायदा उठाते रहते हैं माशाल्लाह। वंडरफुल बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा समरा बेटा, आप अपने सहेलियों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? Yes? हाँ, stand होके, खड़े होके दियो आप। نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد رب العرش العظيم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اتنے مشفق و مربی استاد سے حاصل کرنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے میں شیخ کی بھی ممنون و مشکور ہوں کہ وہ مجھے ایڈی کے سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پھر میرے پیارے ابو جان نے بھی مجھے یہاں آنے کی پرمیشن دی ہے ڈی کے فرینڈز ہم جانتے ہیں کہ شیخ محترم نے ہم کو اینیول پروگرام میں بتایا تھا کہ نیکسٹ 2 ایئرز کا پلان آپ کے پاس ریڈی ہے یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی شیخ محترم انتہائی فن اینڈ جوائے کے ساتھ بچوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کو علم دین سکھاتے ہوئے نیک مسلمان بنانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا سکھاتے ہیں ڈی ڈی کے فرینڈز اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنی وقت کی قدر کریں موبائل ٹی وی میں اپنا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کریں आप अपने फ्रेंड्स कजन्स नेबर्स को भी डीडीके में ज्वाइन कराइए, ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है, हम छोटे छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत होगी तो हम अच्छा माशरा अच्छी सोसाइटी बना सकेंगे इंशाल्लाह। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि हम नेक्स्ट तमाम कोर्सेज में ज्वाइन होंगे और एक काम में और एक बेहतरीन तर्ज पर अपनी जिंदगी गुजार कर कामयाब इंसान सच्चा मुसलमान बनेंगे। तालीम दुआ होंगे हम शेख मोहतरम के छोटे छोटे तालीम दुआ होंगे हम छोटे छोटे बच्चे शेख मोहतरम की शिफात व नजात का जरिया बन जाए इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह ताला शेख मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमा और उनके मकासिद को कामयाब कर। गॉड बेटा माशाल्लाह, आप प्यारी प्यारी बच्ची, इतने कितना अच्छा पैगाम दिया हमारे छोटे छोटे जो है डीटी के स्टूडेंट्स को माशाल्लाह। वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप ये बताइए, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं क्या? अब्बू का अम्मी का शुक्रिया अदा करते हैं आप? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे तौहीद वाले घर में पैदा किया है, और मेरे मामा जान का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे डीटीके में ज्वाइन करा, और मैं मेरे उस्ताद उस्ताद महतरम का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे इल्म दीन सिखाए। गॉड माशाल्लाह वंडरफुल, बहुत बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। ये रहे हमारे मेहमान खुसूसी समरा हसीब, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा अंदाज से प्रेजेंटेशन किया माशाल्लाह। तो नाजरीन अब हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी इस समरा हसीब के तराने से खत्म होने जा रही है। यस बेटा समरा हसीब तराना पेश करो आप। अच्छा तीनों मिनट पढ़ेंगे आप लोग, ओके जरा इधर हटो जरा और उधर हटो आप ताकि सब नजर आए। यस हाँ पढ़ो बेटा। शेख नूरुद्दीन उम्मीद हमारे प्यारे हैं, शेख नूरुद्दीन
बस बेटा वंडरफुल माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। ये हमारे छोटे मोटे, बैठो आप लोग, बैठो बैठो, ये हमारे छोटे मोटे मेहमान थे जो आज हमारे साथ इन्होंने जो है अपने ख्यालात को शेयर किया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे स्कूल में आ चुके हैं, वैसे हर बच्चा ड्यूटी के हमारे पास आएगा इंशाल्लाह, और अपनी खूबियों को और अपनी जो है यानी अपनी सलाहियतों को और अपने फ्यूचर प्लान को हमारे सारे बच्चों को शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है और हमारे जिक्रा की तरफ से पहले ठहरो, हमारे जिक्रा पहले आपको देंगे, हमारे जिक्रा की तरफ से ये समरा हसीब को और की टीम को जो है प्राइज दिया जा रहा है, यानी तोहफा दिया जा रहा है, छोटे मोटे चॉकलेट्स बिस्किट दिए जा रहे हैं हमारे जिक्रा की तरफ से। यस माशाल्लाह, समरा हसीब को और उनकी टीम को माशाल्लाह। यस, और हमारे समरा भी जो है हमारे जिक्रा को प्रेजेंट कर रहे हैं गिफ्ट। वाओ माशाल्लाह, ये हमारे समरा की तरफ से गिफ्ट है और फिर ये हमारे मरवा जहीर की तरफ से गिफ्ट है। क्या बात है, हमारे जिक्रा के भी गिफ्ट आ चुके हैं माशाल्लाह, वंडरफुल नाज़रीन। इसके साथ ही हम तमाम तमाम बच्चों को मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह वो इतने वक्त से बैठे हुए हैं और जज्बे के साथ सुन रहे हैं, और ये भी बच्चे हमारा हर बच्चा ऐसे समरा जैसे बनेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, आगे पीछे दाएं बाएं हर एक तरफ से माशाल्लाह वो खैर ही खैर जो है इंशाल्लाह आपको तकसीम करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।